बोला, मिठू पासवान बोला, हस्बैंड हमारा बोला से तुम भी के नाक धके मरवाएगा। परसौनी थाना क्षेत्र के मदनपुर पंचायत ढांगर गांव वार्ड नंबर 2 में एक सनकी पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दरअसल वह अपने मासूम बेटे की रात्रि में ससुराल पहुंचकर सोए हुए अवस्था में अगवा कर सुनसान जगह पर ले जाकर बेरहमी से गला दबाकर मार डाला। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद पिता ने शव को पास के ही पोखर में फेंक कर फरार हो गया। बुधवार की सुबह छत विछत स्थिति में पोखर के समीप शव को बरामद किया गया। मृत बच्चे की पहचान शिवहर जिला के श्यामपुर भट्टा थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव निवासी मिठू पासवान के 1 वर्षीय पुत्र मंजीत कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर दलबल के साथ थानाध्यक्ष ओम पुकार प्रिय पहुंचे, जहां छानबीन की शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया। इधर पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले सौंप दिया है। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। मंजीत के मां उषा देवी का रो रो कर बुरा हाल है। मिठू ने दूसरी शादी के बाद दिया घटना को अंजाम। जानकारी के अनुसार मिठू पासवान हरियाणा के हिसार जिला में रहकर दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करता है। वह अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद पारिवारिक समझौता के बाद अपनी भाभी उषा देवी से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 2020 में शादी की थी। शादी के बाद दोनों सुखी जीवन जी रहे थे। इसके बाद मिठू के 2 बच्चे भी हुए, जिनमें राजीव कुमार व मंजीत कुमार था। पत्नी उषा देवी ने बताया कि 2023 से मिठू पासवान का जहांगीरपुर गांव में शिवानी कुमारी नामक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद वह फोन पर बात किया करता था, जिसका वह विरोध करती थी। इससे लगातार घर में लड़ाई होता रहता था। वहीं वह बच्चे सहित जान से मारने की धमकी देता था, जिससे परेशान होकर बच्चे संग पत्नी अपने मैके परसौनी थाना स्थित ढांगर चली आई। इसके बाद पति ने काज करने के बहाने हरियाणा के हिसार चला गया, जहां उक्त लड़की को बुलाकर शादी रचा ली। दूसरी शादी के बाद वह पहली पत्नी उषा देवी को लगातार फोन के माध्यम से बच्चे सहित जान से मारने की धमकी देता था। बुधवार की रात्रि उषा देवी अपने बच्चे संग भोजन करके सो गई। इसी बीच 3 बजे करीब नींद खुला तो मंजीत गायब था। तभी से खोजबीन जारी था। सुबह मंजीत का शव मिला। पत्नी के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज। स्थानीय थाने में पत्नी उषा देवी ने मासूम बेटे के हत्या के आरोप में पति मिठू पासवान के खिलाफ आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। घटना को लेकर थानाध्यक्ष ओमपुकार प्रिय ने बताया कि बच्चे के मां के बयान के आधार पर थाने में सुसंगत धाराओं के साथ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वहीं मंजीत की मां उषा देवी ने खबर सप्तक से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा, क्या नाम है? उषा देवी। उषा देवी, क्या कुछ कैसे घटना हुई है? सारोवा घटना केस खारा थाना से लोटी से गया गारा गरज हुआ। सर कहा कि आपके बेटा के मार के बिक देगा। सर तो बेटा हमारे रहते के तुम भी नाक धक लीजिएगा। तो हम रहते हमारे बुआ के उठा के कहा। कौन बोला ये? मिठू बोला, मिठू पासवान बोला, हस्बैंड हमारा बोला से तुम भी के नाक धके मरवाएगा। हम कली हम बच्चा नहीं देगा। तो हमारा बच्चा है कि तुम्हारा बच्चा है? हम कली हमारा बच्चा है। तुम भी शादी कर लिया तो हमारा खेवा खर्चा बंद कर दिया। हम अपना बाप मदारी लेंगे। इस नून सतुआ खा रहा है तो नून सतुआ हमारा की ला रहा है। तो हमारा बच्चा दे दीजिए। हम कली नहीं, हम आपके बच्चा नहीं देगा। हम जहाँ भी के दुख मांग के हम तीनों बच्चा के खिलाएगा। तो कह रहा से हम नाक धोके तुम भी करवाएगा। हम कली ठीक है, हमारा नाक धोके रुवाइएगा तो हम आपके पता चला दीजिएगा। और 3 बजे भोर में सर उठा था अपना हमारे बिछौना पर, हमारे बच्चा न रहा है। सर बउआ हमार बोलता है मम्मी बउआ न हो बिछौना पर। तो हम कली हमारा बउआ के कौन उठा के ले गलक। वही बेर से हम अपना बउआ के खोजे लगल सर। तो हमारे बउआ न मिललक। जात रहिए थाना पर तो फोन गलक से गे दीदी तोहर बउआ पानी में बिगल हे केने हमार बउआ बिगल है। तो चौक हॉस्पिटल के पास हमारे तोर बउआ बिगल हे।